सबसे पहले कुछ आपके लिए स्टेट्स दिखा देता हूं ताकि आपके लिए ट्रस्ट आए। अब आप यहां पे देख सकते हो, ये जो एक वीडियो मैंने डाला है ये तकरीबन 1 घंटा 3 मिनट पहले का एक वीडियो है, और आप इसमें अभी देख सकते हो 64 यहां पे व्यूज हो चुके हैं। और अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो आप यहां पे देख सकते हो अभी इसमें 87 व्यूज दिखा रहा है, और तकरीबन आप देख सकते हो 1 घंटा 11 मिनट। कहने का मतलब यह है कि यहां पे व्यूज आ रहे हैं जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। मैं जितनी बार भी यहां पे रिफ्रेश करूंगा ऑब्वियसली बात है कि ये जो है ये व्यूज यहां पे बढ़ रहे हैं, और आप यहां पे देख सकते हो व्यूज यहां पे बढ़ रहे हैं। और अभी आप देख सकते हो फिर से एक व्यू बढ़ गया, और आप यहां पे देख सकते हो यहां पे जो एक और चीज दिखाने के लिए है, फर्स्ट 2 आवर्स जो है वो वॉच टाइम जो है कहा जाए तो 3 वीक पहले यहां पे कंप्लीट हो गया था, और आप यहां पे देख सकते हो 1000 व्यूज यहां पे तकरीबन 2 वीक्स पहले ही कंप्लीट हो गया था। ठीक है, मतलब कहा जाए तो जो 1000 व्यूज हैं वो तकरीबन 2 से 3 दिन के अंदर ही मेरे आ गए थे, है ना। अभी आपको मैं एनालिटिक्स पे लेके चलता हूं। अब यहां पे मैं आपके लिए जो एनालिटिक्स दिखा रहा हूं आप यहां पे देख सकते हो, मैंने यहां पे लाइफ टाइम सिलेक्ट किया हुआ है। साथ में आप यहां पे देख सकते हो कि यहां पे जो मैंने तकरीबन अभी तक 3593 व्यूज आ चुके हैं, मतलब ये लाइफ टाइम अभी देखोगे तो तकरीबन 7 या 6 जनवरी के आसपास ही इसको मैंने शुरू किया था, और बीच में आप देखोगे तो मैंने बीच में एक भी वीडियो नहीं डाले, मतलब मैं और थोड़ा बाकी चीजों में बिजी हो गया था। लेकिन फिर भी आप देख सकते हो कुछ ना कुछ यहाँ पे व्यूज आ रहे थे, और जैसे ही मैंने फिर से वीडियो डाला आप यहाँ पे आज ही के आज देख सकते हो तकरीबन 1394 व्यूज आ गए हैं, और इससे पहले भी जो वीडियो डाले थे उनके भी आप यहां पे व्यूज देख सकते हो। ऑब्वियसली बात है ये वो वीडियोस हैं जो फर्स्ट जो मैंने अभी वीडियोस डाले थे उनके व्यूज आपके लिए यहां पे दिखाई दे रहे हैं, और वॉच टाइम भी आप देख सकते हो इतना हो गया है, और तकरीबन 13 यहां पे सब्सक्राइबर्स भी आ चुके हैं। ठीक है, अब ये जो स्टैट्स मैं आपके लिए दिखा रहा हूं सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन के लिए है। इसके अलावा यहां पे ऑडियंस भी मैं दिखा दिया करता हूं। तो ऑडियंस में जो मुझे दिखाना था कि यहाँ पे आप देख सकते हो यूनिक व्यूअर्स हैं 1.6K, मतलब तकरीबन कुछ लोगों ने जिनके पास बार बार नोटिफिकेशन जा रहा होगा या जिनके होम स्क्रीन पे वो चीज दिखाई दे रही होगी। इसके अलावा एक और चीज जो मुझे आपके लिए दिखाना था कि ये जो ट्रैफिक आ रहा है वो आप ट्रैफिक देख सकते हो, मतलब मुझे जो ट्रैफिक चाहिए था वो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीजें मैं प्रमोट कर रहा हूँ वो मेरा यूनाइटेड स्टेट्स के लिए था। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी ट्रैफिक आ रहा है तकरीबन 19.5% यूनाइटेड स्टेट्स का है। उसके अलावा भी आप देख सकते हो बाकी सभी कंट्रीज से आ रहा है, वियतनाम, यूके, ऑस्ट्रेलिया, मतलब मेरा जो मेन इंटेंशन था वो मेरा पूरा इंटेंशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो ये कुल मिला के इतनी चीजें मैं दिखाना चाह रहा था, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी व्यूज है वो सभी न्यू व्यूअर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली बात है इससे पहले कोई व्यूअर्स थे ही नहीं तो कैसे आपके लिए दिखाई देंगे, है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सभी जो भी हैं वो तकरीबन नए व्यूअर्स हैं, और आप जो भी परफॉर्मेंस है, मतलब ये दिखाने का इंटेंशन ये था। जो लोग ये बोलते हैं कि सर हम वीडियोस डाल रहे हैं लेकिन व्यूज नहीं आ रहे हैं, मुझे नहीं पता कि आप लोग ऐसा क्या कर रहे हो। ऑब्वियसली बात है कि जो भी आप कर रहे हो उसके लिए आपको थोड़ा ढंग से करना होगा, दैट्स इट। और इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए बहुत सारी ऐसी चीजें बताऊंगा जो मैं ऑलरेडी अपने चैनल्स पे कर रहा हूं या करूंगा। तो जैसे चलिए फिर से हम डैशबोर्ड पे जाके देख लिया करते हैं। अभी तकरीबन आप देख सकते हो 88 या 87 करीब थे, 99 व्यूज हो गए, मतलब ये समझो कि बहुत शानदार चल रहा है। और आप यहाँ पे देख सकते हो पहले तकरीबन 8 मिनट था, अभी 11 मिनट पे मैंने रिफ्रेश किया था, अभी 17 मिनट पे। तो कहने का मतलब ये है कि चीजें काम कर रही हैं अगर आप काम करोगे तो। तो यहाँ पे एक चीज तो समझ में आ गया कि कोई भी वीडियो डालो व्यूज जरूर आएंगे, सिर्फ एक स्ट्रेटजी पे आपको काम करना पड़ेगा। वो स्ट्रेटजी हम इस पूरे वीडियो में देखने वाले हैं, तो मेक श्योर वीडियो को पूरा देखना, बिना स्किप किए देखना, अदरवाइज आप वही कंप्लेन करते रहोगे कि सर हमने वीडियो डाले लेकिन व्यूज नहीं आ रहे। तो यहां पे मैंने एक चीज तो कंफर्म कर दी कि आपके व्यूज आएंगे, 100% आएंगे। जैसा कि मैंने आपके लिए बताया कि स्टार्टिंग के तकरीबन 1-2 दिन मैंने अच्छे खासे वीडियो डाले, आप यहां पे देख सकते हो 8 जनवरी, 8 जनवरी, 8 जनवरी, 8 जनवरी और 8 जनवरी, मतलब कहा जाए तो एक दिन में 5 शॉर्ट्स मैंने डाले या 5 वीडियो रहे होंगे वो मैंने यहाँ पे डाले, और आप यहाँ पे व्यूज देख सकते हो, 1-2 कमेंट वगैरह भी है, और इसके अलावा आप लाइक्स वगैरह भी देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि लोग बाग लाइक नहीं कर रहे हैं या सिर्फ देख ही रहे हैं, मतलब मैं ऑटोमेटिक ट्रैफिक लेके आ रहा हूं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप यहां पे देख सकते हो लाइक वगैरह भी हो रहे हैं, और कुछ तो ऐसे वीडियो थे जिनमें बहुत ज्यादा डिसलाइक वगैरह भी थे,
तो हो सकता है वो कोई इशू नहीं है। जैसे आप ये भी एक वीडियो देख सकते हो, तकरीबन 18 लाइक्स हैं, 11 डिसलाइक्स हैं, तो जो चीजें हैं वो हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो चीज दिखाने का मतलब ये था कि अगर आप कंटिन्यूअस वर्क करते रहोगे, चूंकि मैंने इसको छोड़ दिया था, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 11 के बाद 13 के बाद आप देख सकते हो सीधा 2 फरवरी है, तो अगर मैंने इसके बीच में भी काम किया होता तो अभी तक ये समझो कि ऐसा भी हो सकता था कि ये चैनल बहुत जल्दी ग्रो हो जाता और क्या पता 1000 सब्सक्राइबर्स भी पूरे हो जाते, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो डाल रहा हूं ना उस पे व्यूज तो जरूर आ रहे हैं, वो कितने भी आ रहे हैं वो आपको यहाँ पे देख रहे हो। कुछ यहाँ पे ड्राफ्ट में भी वीडियो मैंने डाल के रखे हैं, आज ही कल मैं ये पब्लिश करूंगा, तो जो भी नए नए रिजल्ट आते जाएंगे वो भी आगे के वीडियोज में आपके लिए दिखाऊंगा। लेकिन मेरे ख्याल से एक चीज आपको समझ में आ गया होगा कि व्यूज आएंगे। अब यहाँ पे ये जो भी मैंने वीडियोस यहाँ पे बनाए हुए थे, इस चैनल पे डाले हुए थे, मेरा यहाँ पे चैनल को मोनेटाइज करने का इंटेंशन नहीं था। मेरा था कि सिंपल सा मुझे अपने एफिलिएट प्रोडक्ट्स के लिए सेल चाहिए है, और दूसरा था कि जो भी मेरे ड्रॉप शिपिंग के प्रोडक्ट्स हैं उन पे सेल आनी चाहिए, क्योंकि जो मेरा इंटेंशन था कि मुझे यूनाइटेड स्टेट्स से ट्रैफिक चाहिए है और अदर कंट्रीज से ट्रैफिक चाहिए है, वो मेरा इंटेंशन पूरा हो गया, मेरे पास सेल आना भी शुरू हो गया, कन्वर्जन आना भी शुरू हो गया, आप लोग मानो या ना मानो, ठीक है। लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पे सिर्फ मेरे में 4000 व्यूज आए हैं, तकरीबन 3500 व्यूज आए हैं, और उसमें मुझे तकरीबन 7 ऑर्डर आ चुके हैं और एफिलिएट प्रोडक्ट्स के भी कुछ कन्वर्जन हो गए हैं। तो आप ये सोच के रखो कि बहुत शानदार यहाँ पे काम हो सकता है। मेरा मतलब इतना डिटेल में बताने का सिर्फ एक इंटेंशन था कि कन्वर्जन आपको आएंगे जहां का ट्रैफिक चाहोगे। ऑब्वियसली बात है कि जब भी आप कोई वीडियो डालोगे उस वीडियो में जो मेन सेटिंग करना है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, लैंग्वेज एंड कैप्शन सर्टिफिकेशन, ये दो जो चीजें हैं ये आपके लिए हमेशा याद रखना है कि आपको जो वीडियो लैंग्वेज है वो इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट करना है, या फिर जहां का भी आपको ट्रैफिक चाहिए है वो आपके लिए। मैं चाहता तो सिंपल सा इंग्लिश भी सिलेक्ट कर सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पे इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट सिलेक्ट किया है। उसका कारण ये था कि जो यूनाइटेड स्टेट की ऑडियंस है उनके लिए ये वाला वीडियो दिखाई दे। और इसके अलावा जो एक और चीज है कि आपको वीडियो लोकेशन भी यहाँ पे ध्यान रखना है कि यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पे सिलेक्ट होना चाहिए, दैट्स इट। तो आई होप ये सारी चीजें देखने के बाद आपको एक अंदाजा लग गया होगा कि यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप चाहे क्लिक बैंक के प्रोडक्ट लो या फिर आप डिजिस्टोर के प्रोडक्ट लो, मतलब अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आप इन दोनों का भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपका कोई ड्रॉप शिपिंग स्टोर है, चाहे वो आपका शॉपिफाई में है या किसी में भी ड्रॉप शिपिंग स्टोर है, उसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ये मतलब ऐसी चीजें मैं बता रहा हूं जो सभी के लिए काम में आ सकते हैं, चाहे वो बंदा सीपीएम मार्केटिंग कर रहा हो, चाहे वो ड्रॉप शिपिंग कर रहा हो, चाहे वो एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हो, ठीक है। तो ये सभी के काम में आने वाली चीज है। अब यहाँ पे जो आप दो टूल का यूज कर सकते हो वो ऑलरेडी मैंने आपके लिए बताए हैं कि आप इन वीडियो का यूज कर सकते हो, कैनवा का यूज कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आपके लिए यहाँ पे ऑब्वियसली बात है जो आपका प्रोडक्ट है उसके हिसाब से आपको चीजें देखनी पड़ेंगी। मान लीजिए आपका हेल्थ का प्रोडक्ट है तो सिंपल सा यहाँ पे हेल्थ एंड फिटनेस में जाके जिस भी टाइप का वेट लॉस का प्रोडक्ट है या किसी भी स्पेसिफिक टाइप का प्रोडक्ट है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है और उसके हिसाब से ही आपको एक कंटेंट बनाना है। अब यहाँ पे ये दो टूल मैं आपके लिए क्यों रिकमेंड करता हूं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ था कि मैंने एक दिन में 5 से 10 भी यहाँ पे यूट्यूब शॉर्ट्स डाले। अब ये जो 5-10 मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स डाले हैं इसका कारण सिर्फ एक था कि मैं बल्क में काम कर सकता था क्योंकि मेरे पास ऑटोमेटिक टूल थे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप इन वीडियो का यूज करना चाहो तो इन वीडियो का भी यूज कर सकते हो और इसके अलावा आप चाहो तो कैनवा का यूज कर सकते हो। ये दोनों फ्री भी हैं और प्रीमियम भी हैं। इन दोनों के प्रीमियम प्लान भी हैं, फ्री प्लान भी हैं। सिर्फ अंतर इतना पड़ता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप ग्राफिक्स में ज्यादा करते हैं तो आप कैनवा भी यूज कर सकते हैं, और अगर आप सिर्फ उससे वीडियोस पे ज्यादा ध्यान दिया करते हैं तो मेरे ख्याल से इन वीडियोस सबसे बेस्ट है। अब चूंकि मैंने तो इन दोनों का ही प्रीमियम वर्जन लेके रखा हुआ है, लेकिन आप फ्री में भी ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है सभी के अंदर फ्री टेम्पलेट भी हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो है ये प्रो टेम्पलेट है, ये कहा जाए तो कैनवा प्रो सब्सक्रिप्शन के साथ ही आप इसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें एक वॉटर मार्क आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फ्री नहीं है अवेलेबल, जैसे आप ये देख सकते हो ये फ्री है, इसके अलावा ये फ्री है, ये पेड है, ये पेड है, ये फ्री है। तो फ्री भी है और पेड भी है, तो आपको यूज करना है तो फ्री भी कर सकते हो, पेड भी कर सकते हो। इसी टाइप से मान लीजिए आप इन वीडियो यूज कर रहे हो तो इन वीडियो में भी आप कुछ ऐसे देखोगे जो फ्री रहेंगे, कुछ ऐसे देखोगे जो पेड रहेंगे।
तो वो आप अपने हिसाब से देख लेने हैं कि कौन सा आपके लिए परफेक्ट है। मान लीजिए आप कीटो डाइट का बना रहे हैं। अब मैं इन वीडियो ज्यादा इसलिए रिकमेंड करता हूं क्योंकि मैं जो मोस्टली काम करता हूं मैं वीडियोस पे करता हूं, इसीलिए मेरे पास सभी के प्रीमियम है। तो अगर आप मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ कीटो डाइट्स का बना रहे हैं तो आप यहां पे देख सकते हैं इस टाइप का जो ये शानदार सा वीडियो आपके लिए दिखाई दे रहा है, इसी टाइप का सेम वीडियो आप भी बना सकते हो। मान लीजिए आपको जिस टाइप का भी बनाना है, मान लीजिए एक ही टाइप के वीडियोस में भी आपके लिए 3-4 मिल जाएंगे। कि मान लीजिए आपको इंस्टाग्राम के लिए बनाना है तो आप स्क्वायर में भी सेम को कर सकते हो, अगर आप यूट्यूब के लिए बना रहे हो तो लैंडस्केप भी कर सकते हो, यूट्यूब शॉर्ट्स या स्टोरीज वगैरह आप बना रहे हो तो उसके लिए आपके लिए पोर्ट्रेट में भी मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हो सभी में 3 टाइप के ऑप्शंस रहेंगे, तीनों टाइप से आप इसको यूज कर सकते हो। आप ये देख सकते हो 20 सेकंड का ये पूरा वीडियो है आपका, कहा जाए तो सब कुछ यहां पर हो सकता है और 20 सेकंड से आपको कम रखना है। मैं तो बोलता हूं कि मुश्किल से 5 सेकंड और 10 सेकंड का वीडियो बनाओ और कंटेंट उसमें ज्यादा डालो। अब यहां पे बात की जाए टिप की कि आप वायरल कैसे कर सकते हो, अपने वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचाना है, तो आपको करना क्या काम है कि जैसे आप यहां पे देख सकते हो ये जो वीडियो है ये 20 सेकंड का है, आपको क्या करना है इसको 10 सेकंड में कन्वर्ट करना है। 10 सेकंड में कन्वर्ट करने से होगा क्या, मान लीजिए ये जो वीडियो है अगर हम इसको प्ले करते हैं तो आप यहां पे देख सकते हो कि ये जो वीडियो चल रहा है इसमें क्या है ना बड़े आराम से आ रहा है, कोई बंदा आराम से इस चीज को पढ़ सकता है। लेकिन अब आपको क्या करना है, बंदा कम पढ़ पाए ताकि वो एक ही चीज को 2-3 बार रीड करने के लिए, कहा जाए तो आपकी एक ही स्टोरी को या एक ही यूट्यूब शॉर्ट्स को उसको 4 बार देखना पड़े तो उसमें आपका रिटेंशन ज्यादा आएगा। और यहाँ पे वॉच टाइम की बात नहीं है, यहाँ पे रिटेंशन की बात कि आपका जो तकरीबन 5 सेकंड या 10 सेकंड का वीडियो है उसके लिए तकरीबन 300% लोगों ने देखा है। इसी वजह से यूट्यूब या कहा जाए तो कोई भी प्लेटफॉर्म है उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाता है क्योंकि एक ही चीज को उसने 4 बार देखा है। तो ये जो चीज है अगर आप इस चीज को फॉलो करोगे, मान लीजिए ये जो है इसको आपने यूज टेम्पलेट किया, तो यहाँ पे मैंने लॉग इन करके नहीं रखा हुआ है तो मैं अपने अकाउंट में लॉग इन कर लिया करता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो हम यहाँ पे लॉग इन भी कर चुके हो, जैसा कि मैंने आपके लिए बोला था कि प्रीमियम अकाउंट है मेरा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो अकाउंट है ये प्रीमियम है, और जैसे कि हम इसकी बात कर रहे थे मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ पे यूज टेम्पलेट पे आपको सिंपल सा क्लिक करना है और आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी है, मान लीजिए यहाँ पे 5-5 सेकंड के आपके लिए, यहाँ पे नीचे देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि ये 5-5 सेकंड 6-6 सेकंड के जो भी हैं आप इनको बहुत छोटा कर दीजिए ताकि कहा जाए तो आपको अच्छा रिटेंशन मिल सके। तो यहाँ पे आपको डॉट्स पे क्लिक करना है, एडिट ड्यूरेशन पे करना है और आपको जो भी ड्यूरेशन यहाँ पे रखना है, मान लीजिए अभी यहाँ पे 5 सेकंड था, हम इसको 4 सेकंड या 3 सेकंड कर दिया करते हैं। इसी टाइप से आपको सभी को थोड़ा छोटा कर देना है, जैसे आप ये देख सकते हो ये थोड़ा सा छोटा हो गया। अब आपको इसको सिलेक्ट करके और एडिट ड्यूरेशन पे करना है, इसको भी हमने 3 सेकंड कर दिया और इसी टाइप से मैं सभी की चेंज कर दिया करता हूं। और आप यहां पे देख सकते हो 9 सेकंड का ये जो चीज है ये 9 सेकंड की बची हुई है और आप इसको यहां पे चेक भी कर सकते हो कि कैसा दिखाई दे रहा है, आपका सही दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा। तो अभी आप यहां पे देखोगे कि जो भी चीजें थी वो बड़ी फास्ट फास्ट हो रही हैं और कहा जाए तो यहां पे जो भी थोड़ा बहुत ट्रांजिशन वगैरह लगे हुए हैं इनकी भी आप ड्यूरेशन चाहो तो थोड़ा सा कम कर देना। जैसे आप यहां पे देख सकते हो कि ट्रांजिशन की जो है वो तकरीबन इतना है तो इसको थोड़ा सा और कम कर देना आप। तो अभी जैसे अप्लाई टू ऑल मैंने किया, यस, और आप यहाँ पे देख सकते हो 8 सेकंड का वीडियो बचा है। मतलब कहा जाए तो बिल्कुल छोटे से चीज छोटा वीडियो रखो और इसके अलावा बाकी जो भी इसके अंदर कंटेंट वगैरह लिखा हुआ है वो कंटेंट भी आप चेंज कर देना। मान लीजिए यहाँ पे कहीं भी साइट वगैरह भी कहीं ना कहीं लिखी हुई थी, तो अगर किसी में कोई साइट वगैरह लिखी हुई है या कुछ भी लिखा है तो यहाँ पे आप अपनी साइट वगैरह भी एड कर देना। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स में लिखा हुआ है तो ये जो साइट यहाँ पे लिखी हुई है इसको आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। मान लीजिए ये जो www.example.com लिखा हुआ था तो इसकी जगह जो भी आप कंटेंट लिखना चाहो, यहाँ पे जो लोगो लगा हुआ है, यहाँ पे ऑब्वियसली बात है कि ये जो लोगो लगा हुआ है ये मेरा लोगो लगा हुआ है कहा जाए तो anantvyasoni.in वाला, इस टाइप से आपको सिंपल सा बना लेना है, इसको सिंपल सा एक्सपोर्ट कर लेना है और एक्सपोर्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जाके अपलोड कर देना है। अपलोड करने के साथ ही जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जो भी प्रोडक्ट आप प्रमोट कर रहे हो उसकी लिंक आपको ऑलवेज डिस्क्रिप्शन में भी देना है, अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन लिखना है। कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है तो आपको अच्छा खासा कंटेंट लिखना पड़ेगा ताकि आपके यूट्यूब शॉर्ट्स भी रैंक हों
क्योंकि आज की डेट में यूट्यूब शॉर्ट्स भी रैंक हो रहे हैं, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि रैंक करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए जो भी चीजें हैं बाकायदा टैग डालो, सारे डिस्क्रिप्शन वगैरह सारी चीजें उसमें लिखो, परफेक्ट तरीके से लिखो, तो ऑब्वियसली बात है आपको अच्छे खासे व्यूज आएंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप चाहे डिजी स्टोर का, क्लिक बैंक का, सीपीए टाइप का ऑफर है, या आपका कोई शॉपिफाई का ड्रॉप शिपिंग स्टोर है, जो भी चीज है सभी के लिए ये वाली चीज बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकती है। मतलब यहाँ पे मैंने आपके लिए एग्जाम्पल सारे दिखा दिए जो भी चीजें मेरे पास थी दिखाने के लिए। तो चलिए अब वीडियो खत्म होते होते तक, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 1:43 हो गया है, अपन ने तकरीबन 1:04 के आसपास शुरू किया था तो तकरीबन 40 मिनट करीब और हो गए होंगे, और आप यहाँ पे देख सकते हो 178 व्यूज हो गए। मेरे ख्याल से अभी तक आपको ट्रस्ट 100% आ गया होगा कि सारी चीजें परफेक्ट काम करेंगी। तो जो भी मेरा प्रोसेस था वो पूरा प्रोसेस बता दिया। मैं मोस्टली इन वीडियो का यूज करता हूं, और दूसरी चीज है कैनवा। कैनवा में भी आपके लिए सारी चीजें बहुत अच्छी आजकल मिलने लगी हैं, लेकिन कैनवा में एक थोड़ा सा दिक्कत क्या होता है कि आपके लिए जो भी वीडियोस वगैरह यूज करने पड़ते हैं वो ज्यादातर पेड टाइप से होते हैं, तो वो आप देख लेना। अगर आपको कैनवा अच्छा लगता है, कैनवा के साथ अच्छा आपका हाथ जमा हुआ है, तो आप कैनवा भी यूज कर सकते हो। और बाकी इन वीडियो की भी मैंने बहुत सारी ट्यूटोरियल बनाई हुई थी, जैसे कि एक लास्ट ही मैंने एक ट्यूटोरियल आपके लिए कुछ दिन पहले ही दी हुई थी, तो वो भी आप चेक कर लेना। उसमें मैंने कंप्लीट बताया था कि आप यूट्यूब शॉर्ट्स कैसे कंप्लीट बना सकते हैं, जो भी चीजें हैं उसको कैसे एडिट कर सकते हैं, कैसे अगर आप चाहें तो वॉइस ओवर वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वॉइस ओवर मत डालना, जो म्यूजिक है म्यूजिक ही आप यूज करना। म्यूजिक का बेनिफिट ये रहा करता है कि अगर कोई इंसान सुन लेगा हर चीज तो वो दोबारा क्यों आएगा, तो इसीलिए आपको वॉइस ओवर नहीं डालना है, सिर्फ म्यूजिक ही आपके लिए डालना है। तो आई होप यहाँ पे सारी चीजें मैंने आपके लिए बता दी। वीडियो थोड़ा सा छोटा रखना चाहता था, और बाकी जो स्टेट्स का पार्ट था वो मैं कंप्लीट रखना चाहता था। और साथ ही साथ मैं आपसे एक और चीज बोलना चाहता हूँ कि अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं, या आप ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं, ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, तो इन सभी के कोर्सेज भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आप चाहें तो इन प्रीमियम कोर्सेज को ज्वाइन करके और सारी चीजें आप स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल्स के साथ सीख सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो है एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स है, इसके अलावा ये जो है आपके लिए ड्रॉप शिपिंग का दिखाई दे रहा है, इसमें आपके लिए शॉपिफाई के थ्रू आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो, और जो एक और कोर्स है ये आप वूकॉमर्स में ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो। फिर अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो उसके लिए वर्डप्रेस का ये कोर्स है। फिर यहाँ पे अगर ब्लॉगर में आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो आप इस कोर्स को भी यूज कर सकते हो। तो ये सारे कोर्सेज हैं। अगर आप पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो इनमें से किसी के साथ भी आप जा सकते हो। तो आई होप सारी चीजें मैंने बता दी। अभी भी आपका कोई डाउट है आप मुझे कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। दोस्तों, फ्रेंड, फैमिली, जो लोग भी अर्निंग करना चाहते हैं, घर बैठ के अर्निंग करना चाहते हैं और अपने मोबाइल फोन के थ्रू अर्निंग करना चाहते हैं, उनके साथ इस वीडियो के लिए जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।